तो भाई आज से मैंने गदर टू का नाम रख दिया है तबाही, क्योंकि गदर टू चारों तरफ तबाही मचा रही है। जहां देखो, जिस शहर में देखो, जहां थिएटर में जाओ भैया, हर जगह तबाही मची हुई है। पैसा पे पैसा छापी जा रही है, पैसा पे पैसा छापी जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भैया इतना पैसा कैसे छाप रहे हो, तो भैया कह रहे हैं कि मूवी भैया गदर के नाम पे चले या कैसे भी चले, लोग पागल हो रहे हैं, लोग थिएटर में आ रहे हैं। और इस सैटरडे संडे में तो ऐसी भीड़ जमी है, ऐसी भीड़ थिएटर में टूटी है कि सच में भैया गदर फैल गया है। क्योंकि सैटरडे को जैसे ही 31 करोड़ का कलेक्शन गदर ने किया, तो अपने आप में ही इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे ही सैटरडे को वो 31.07 करोड़ का आंकड़ा आया गदर 2 के बैंक में, और जैसे ही उसका टोटल कलेक्शन 336 करोड़ पहुंचता है, तो वॉर को पीछे छोड़ देती है, बजरंगी भाईजान को पीछे छोड़ देती है। और संडे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि 41 करोड़ के आसपास यहां पे संडे को कलेक्शन हुआ है, उसके बाद पता है किस किस को पीछे छोड़ देगी। टाइगर जिंदा है को पीछे छोड़ देगी, पीके को पीछे छोड़ देगी, संजू को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि कलेक्शन कहीं ना कहीं टोटल आ जाएगा 375 करोड़ के आसपास। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि मंडे को, यानी कि आज के दिन, ये छोड़ देगी पीछे दंगल के हिंदी कलेक्शन को, यानी कि उसके बाद बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ रहेंगी पठान के ऊपर। और अगर ओवरऑल इंडिया में बात करें, तो सिर्फ 3 फिल्में इससे ऊपर रहेंगी हिंदी लैंग्वेज के कलेक्शन में। देखो, सबसे पहले है केजीएफ 2, जिसका कलेक्शन लगभग टोटल 434 करोड़ के आसपास है। तो मंडे के बाद भैया अगला निशाना जो गदर 2 साधेगी, वो केजीएफ 2 पे साधेगी। उसके बाद अगर केजीएफ 2 टूट गई, तो सिर्फ दो और मूवी आगे रह जाएंगी। पहले है बाहुबली 2, जिसका 510 करोड़ के आसपास का हिंदी ओवरऑल नेट कलेक्शन था। और उसके बाद पठान है, जो मात्र 1-2 करोड़ ज्यादा कमा पाई थी, 511 से 512 करोड़। मतलब आसान भाषा में, अगर टूटेगा तो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी टूटेगा और पठान का भी टूटेगा, या किसी का नहीं टूटेगा। लेकिन आसान भाषा में कहूं तो 95% मान के चलिए कि इस हफ्ते के अंदर पठान और बाहुबली 2 पीछे छूटने वाली हैं। मुश्किल है, लेकिन भाई 40 करोड़ जब आप संडे को कमाओगे, तो आखिर अगले एक हफ्ते में टोटल 100 करोड़ क्यों नहीं कमाओगे। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं, आसान भाषा में समझ लीजिए कि पठान ने 2023 में 512 करोड़ का कलेक्शन करके जो आधी तूफान ला दिया था, लोग कह रहे थे अगले 4-5 साल तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि लोग इस तरह पागलों से सिनेमा में जाएं, थिएटर में घुसें और इतना भारी कलेक्शन किसी हिंदी किसी बॉलीवुड मूवी को करवा जाएं। तो भैया ये तो सच में पठान के मेकर्स के लिए झटका होगा कि उसी साल एक मूवी आती है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि 100 करोड़ भी कमा लिए तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन वही मूवी आके ऐसा बवाल मचाती है कि वो रिकॉर्ड जिसके बारे में लोग कह रहे थे ये आने वाले लंबे वक्त तक नहीं टूटेगा, मात्र कुछ महीने में तोड़ देती है। किस किस को लगता है कि गदर 2 भैया इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट, क्या सबसे ज्यादा हिंदी में कमाने वाली मूवी बन जाएगी? जिसको भी लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।